जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान एक ही गांव के 10 जने कैंटर गाड़ी में सवार होकर अपने गांव के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कैंटर बेकाबू होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा पलटी है, जिसके दौरान 10 के 10 सदस्यों को लेकर बेहद ही बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल यह पूरा मामला हिमाचल के धर्मशाला के पास का है, जहाँ पर कैंटर के पलटने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 5 जनों को तो मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 5 जनों के हालात ठीक नहीं है। सभी लोग गेहूं की कटाई कर उसे लाद कर ले जा रहे थे, अचानक से उथड़ा ग्राम के पास संपर्क मार्ग पर कैंटर बेकाबू होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा पलटी है, जिसके दौरान मौके पर ही 4 जनों को तो मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि एक युवती को टांडा अस्पताल में उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया था और चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस और एसडीआरएम की टीम मौके पर पहुंची है और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि सभी को मौके पर अस्पताल में भिजवा दिया गया है और इस घटना में मरने वालों की पहचान सीता देवी 39 वर्षीय पत्नी सुनीता कांत, मिलाप चंद पुत्र अशोक कुमार जो वाहन का चालक था, सुनील कांत 43 वर्षीय पुत्र बलदेव और आरती देव 45 वर्षीय पत्नी कुमार कुशवाहा, कृष्ण 7 वर्षीय पुत्र सुनील कांत को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि अन्य 5 जनों का इलाज चल रहा है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।